आपकी नियत पर शुभे का इजहार किया है। उन्होंने यहाँ मीडिया टॉक करते हुए कहा है कि आज का दिन आपने साबित करना है कि आप किसी के दबाव में तो नहीं है, कोई इंटरेस्ट तो नहीं है आपका। अगर लड़ाई झगड़ा कोई चीज होती है तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी और फ्री एंड फेयर यानी कि ओवरऑल जो गुफ्तगू की है वो आपकी पर्सनैलिटी पे डाउट्स के हवाले से बिल्कुल फेयर प्ले होगा, हर लिहाज में फेयर प्ले होगा, फ्री एंड फेयर होगा इंशाल्लाह। लेकिन प्रेशर डालने का मकसद ये कि असेंबली हॉल के अंदर दोनों तरफ से कोशिश होगी कि माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए कि मामलात पेंडिंग में चले जाएं, लेकिन हम ऐसा प्रेशर नहीं लेंगे। हर किसी को वोट डालने की इजाजत होगी। जी बिल्कुल, हर किसी को वोट डाल सकते हैं। जी बिल्कुल, आर्टिकल 63A के तहत जो डिफेक्ट कर गए हैं अराकीन वो बिल्कुल वोट डाल सकते हैं, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो पार्टी चीफ जो उनके हैं वो करेंगे। एक बात करें, मैं 10 मिनट हो गए ऑप्टिमिस्टिक है कि इलेक्शन आज ही होंगे, कंप्लीट होंगे, कोई प्रेशर नहीं लिया जाएगा। अगर कोई इस तरह का कोई मामला या रुकर से पैंडेमोनियम क्रिएट किया जाता है तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इंशाल्लाह इलेक्शन आज ही होंगे, रिजल्ट आज ही अनाउंस होगा, आप सब देखेंगे, आप अंदर भी होंगे, आप बाहर भी होंगे, आपके सामने ही सारा। अगर आपके पास कोई सबूत है तो मुझे दे दें, या अगर पैसे आपको उन्होंने दिए तो मुझे भी दे दें। जी मैं कल मेरी मीटिंग हुई थी और आईजी साहब भी उस पे सारा देख रहे हैं, उस चीज को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह सिक्योरिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मनाजिर अब देख रहे हैं, पंजाब असेंबली के बाहर अब से कुछ देर पहले डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद बजारी की जानिब से गुफ्तगू की गई।